हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हेयर स्पा क्रीम का रिव्यू। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पर आसानी से स्पा कर सकते हैं, अपने बालों की केयर कर सकते हैं, अपने बालों को सिल्की, स्मूद और शाइनी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये है लोरियल का प्रोफेशनल पेरिस का है ये प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये लोरियल की स्पा क्रीम है, ये देखिए। तो इस तरह के पैकेजिंग में आता है, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। और ये डल हेयर के लिए सबसे परफेक्ट है, ड्राई हेयर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें आपको और भी काफी सारे मतलब अपनी बालों के टेक्सचर के हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ ये है, देखिए 640 रुपीज की इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट में बहुत अच्छे प्राइस पर मिल गया था, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह के कंटेनर में आता है, क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है, 490 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, यानी कि 490 ग्राम का प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है, ये देखिए। तो काफी अच्छी क्वांटिटी है, आप इसे एक से दो महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इसे हमें इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहां पर मैं अपने बालों को वॉश कर चुकी हूं, आप देख सकते हैं। तो जब मेरे बाल थोड़े से गीले रह जाएंगे और थोड़े सूख जाएंगे, तब उसके बाद मैं ये क्रीम अपने बालों में अप्लाई करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये सब चीजें मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को वॉश कर चुकी हूँ, ये देखिए। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा अपने बालों का सेक्शन लेना है और उसके बाद इसे आप अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। और जो आपके बालों के एजेस होते हैं इसमें भी जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे भी आपके दो मुहे बालों से भी आपको छुटकारा मिलता है और काफी सॉफ्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे नीचे के बाल थोड़े खुरदरे होते हैं, तो उसे भी सॉफ्ट बना देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था और अब मेरे बाल थोड़े से गीले हैं और थोड़े सूखे हैं। तो अब मैं इस क्रीम को अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लिए हैं और बालों में कोई भी टैंगल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पार्टीशन करके जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, बस आपने वैसे ही अप्लाई करना है इस क्रीम को। आप चाहे तो इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आपके बालों में अच्छे से शैम्पू करा होना चाहिए आपको, और बालों को हमें पूरी तरह से नहीं सिखाना है, सिर्फ हल्का गीला रखना है और थोड़ा ड्राई होने देना है। पूरी तरह से बालों को ड्राई मत होने दीजिए, बिल्कुल भी आपके बालों में तेल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इसे अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। बस ये ध्यान रहे कि इसके बाद आपने कोई भी शैम्पू वगैरह नहीं करना है अपने बालों में, नॉर्मल पानी से ही आपने अपने बालों को वॉश करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कि आपने इसे इस्तेमाल करने से पहले शैम्पू करना है, इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि इस क्रीम को थोड़ा सा टाइम दीजिए अच्छे से आपके बालों में अपना काम दिखाने का, अपना जो भी इसमें तत्व है अच्छे से आपके बालों में आ जाने चाहिए। दैट्स इट। देखिए मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिए और अब मैं एक गर्म पानी में टॉवल लूंगी और उस टॉवल को उसमें अच्छे से डिप करके निचोड़कर अपने बालों को रैप कर लूंगी इस गर्म टॉवल में। जितना स्किन आपकी बर्दाश्त कर सके सिर्फ उतना ही गर्म पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। और अब मैं अपने बालों को आधे घंटे तक इस टॉवल में रैप कर रखूंगी अच्छे से, और इसके बाद मैं अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। सिर्फ आपने पानी से बालों को वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मुझे आधा घंटा हो चुका है और मैं अपने बालों को वॉश करके आती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, बालों को अच्छे से सुखा भी लिया है मैंने, और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, आई डोंट नो आपको कैमरा में अच्छे से मेरे बालों में जो शाइन आई है वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइन नजर आ रही है और बाल बहुत ज्यादा पहले से भी सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। मेरे बाल बहुत ज्यादा डल हो गए थे, बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले गाइस। आप भी इसे एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बालों में फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को यूज किया है। जी हाँ, मैंने आज से पहले कभी भी कोई हेयर स्पा वगैरह अपने बालों में नहीं करवाया था कभी भी, और मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज किया है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है प्रोडक्ट, आपको भी मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं,
डल नजर आ रही हैं, ड्राई हेयर हो गए हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा है। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपने, मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, कि आपने सेम डे शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी सिर्फ सादे पानी से अपने बालों को धोया है, कोई गर्म नहीं, कोई ठंडा नहीं, सिर्फ सादे पानी से अपने बालों को वॉश किया है। और आप महीने में एक बार भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डल और डैमेज हो गए हैं, या बाहर से आप आते हैं तो धूल मिट्टी जमा हो गई है बालों में, तो आप इसे महीने में दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार ही बोलूंगी, क्योंकि आखिर है तो केमिकल्स ही, और जितना कम आप अपने बालों को केमिकल्स दे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने की वजह से भी बाल टूटने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, आपके बाल नहीं टूटेंगे, मेरे एक से दो बाल ही टूटे हैं। नॉर्मली सी बात है, अगर हम बालों में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो बाल टूटते ही हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। सो गाइस, ये था मेरा आज का लोरियल पेरिस हेयर स्पा क्रीम का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का मेरा वीडियो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइस, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, मेकअप लुक, मेकअप ट्यूटोरियल और इंस्पायर्ड मेकअप लुक, काफी सारी चीजें शेयर की हुई है, तो प्लीज मेरी वीडियो की लिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।